नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चल रही हूँ मैं, गुजिया बनाती हूँ। मैं एक वीडियो को खत्म किया और जो वो वीडियो आप सब देख लिए होंगे, भैया हमारे जिस वीडियो में थे, तो हमारा सबसे छोटा भाई आया है। तो अब मैं गुजिया बनाने जा रही हूँ और एडिटिंग तो आता नहीं कि मैं पूरा वीडियो बना के उसी में जोड़ देती, तो इसी वजह से अब चल रही हूँ मैं गुजिया को बनाती हूँ। तो जो जो बनाएंगे आप सबको जरूर दिखाएंगे। अभी होली नहीं खत्म हुआ, कितना होली बोलोगी? बोलो मामा मौसी नमस्ते। सभी दीदी भैया को राम राम। तो हम सब गुजिया बनाने जा रहे हैं और गुजिया के लिए हम जितना सामग्री लिए हैं, ले आओ चंदन दिखाते हैं। तो गुजिया के लिए ये किशमिश हम लिए हैं, ये 50 ग्राम किशमिश है और ये मतलब 200 ग्राम छुहारा और गरी काट के मिक्स है दोनों, और ये सूजी हमने भून लिया है। तो और ये चीनी है, ये करीब एक पाव चीनी है और एक किलो मैदा है। तो हम कम ही बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे, नहीं अकेले कितना सारा बेलेंगे, इतना टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमने एक किलो दूध को खोया की तरह बना लिए हैं, लेकिन सूखा नहीं किए हैं। तो थोड़ा सा इसमें से हम दूध निकालेंगे, तो एक रेसिपी और बनाएंगे इसी दूध में, और इतना काफी है चीनी गलाने के लिए। तो अगर खोया हम बनाते तो चीनी गलती नहीं और पीस कर डालना पड़ता, तो पीसना भी नहीं पड़ेगा और खोया भी बन के तैयार हो जाएगा। तो गैस को जलाते हैं और कढ़ाई को रख देते हैं, और ये एक पाव जो चीनी हमने लिया है तो इसी दूध के खोए में डाल देंगे और इसी में ये पिघल भी जाएगा, अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो हम चीनी को मिला देते हैं ताकि गल जाए अच्छी तरीके से चीनी और खोया। तो आप देख सकते हैं चीनी और खोया ये गल चुका है। तो अब इसमें हम मिला देंगे ये जो सूजी है और ये जो कटा मेवा सब रखा हुआ है, तो उसको हम मिला देते हैं। तो अब हम इसको चला देते हैं और इससे सूजी में अच्छी तरह चीनी मिल जाएगा, खोया भी मिल जाएगा और कुछ मुलायम भी रहेगा। कढ़ाही से निकाल लेते हैं इसको, नहीं तो अभी जम जाएगा ये कढ़ाही में, और इसी कढ़ाही में हमें गुजिया भी बनाना है। तो यहाँ मैं डालडा गरम होने के लिए रख देती हूँ। तो डालडा को मैं पिघला लेती हूँ, तो ये करीब 100 ग्राम डालडा होगा। तो मैं यहाँ आधा किलो मैदा सिर्फ बनाऊंगी और आधा रख दूंगी, और ये एक किलो मैदा है तो ज्यादा गुजिया नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ दूसरे रेसिपी के लिए जो मैं दूध रखी थी, तो उसमें मैं चीनी डाल देती हूँ, इसी छन्नी के एक छन्नी डाली हूँ और एक छन्नी और चीनी इसमें डालेंगे। तो एक आधा छन्नी मैं डालूंगी, ये ज्यादा हो जाएगा, आधा मैं निकाल लेती हूँ और इस दूध को हम और चीनी को पिघला कर गरम कर लेंगे। इधर मैं कटोरी में रख दी हूँ गरम होने के लिए दूध और चीनी। तो ये जो डालडा हम पिघलाए थे इसी मैदे में डाल देंगे, और इसको इसीलिए डाला जाता है कि ये खस्ता रहेगा खाने में ये।
अभी जल रहा है, मैं चाकू के सहायता से इसमें मिला देती हूँ अच्छी तरह से डालडा और मैदा को। तो यहाँ मैं मैदे में ये डालडा को मिक्स कर दी हूँ, और आप घी में बना सकते हैं तो घी में मिक्स कर लेना, और हमारे पास नहीं था तो मैं डालडा मिक्स की हूँ। वैसे तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं। तो वैसे हर दिन नहीं खाते हम सब, बहुत दिनों के बाद ये गुजिया बना रहे हैं, तो अगर डालडा ना मिलाती तो अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए मैं डालडा मिलाकर मिक्स करके ये बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बन रहा है इसी तरह। तो मैं यहाँ दूसरा वो खस्ता बनाने के लिए रख ली हूँ, यहाँ इतना मैं मैदा निकाल ली। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके अभी इसको गूंथ लेती हूँ। तो यहाँ हम थोड़ा पानी डाल के गूंथ रहे हैं, और ध्यान रखना जब भी डालडा मैदे में डालना चाहिए तो वो वैसे गिल्टी नहीं बनना चाहिए, जो गोले गोले से बन जाते हैं, नहीं तो वो कढ़ाई में दगने लगेगा। तो ये मैदा जो निकाल के रखे थे, और ये दूध चीनी गला लिए हैं, और इस मैदे में भी डालडा को मिक्स किए हैं सूखे मैदे में। तो हम इसी दूध और चीनी से इसको भी अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, और ज्यादा गीला नहीं इसको गूंथना है, जिस तरह रोटी बनाया जाता है उतना उसी तरह ये आटा को लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल रोटी के आटे की तरह इसको गूंथ ली हूँ, और आप इसमें इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं, और बहुत अच्छा बनेगा ये। तो ढक के रख देती हूँ। तो यहाँ हम मैदे को गूंथ लिए हैं और बेल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ का हम गैस साफ किए थे सुबह, तो इसके लिए आप सब नाराज ना होना कि यहाँ पर सूजी भून रहे थे, सूजी तभी ये सब सूजी गिर गया है, तावे में भूने थे और इसीलिए सुबह साफ कर दिए थे। उसके बाद में मैं वो वीडियो जो बनाई थी, ये खोया दूध को गर्म कर रही थी, तो बीच में सोचा ये भी वीडियो शुरू करें, और साफ कब तक करेंगे, फिर गुजिया बना के तो फिर साफ करेंगे गैस को। और सूजी भी गिर गई, छोटा बर्तन की वजह से, थाली की वजह से। तो यहाँ हम सब बना रहे हैं, और चंदन के पापा यहाँ बैठे बैठे परेशान हो गए, बोले अब नहीं बैठा जा रहा है, बहुत लेट हो गया बनाते इतना काम करते हुए। और यहाँ आप देख सकते हैं शीतल और गुंजन ये बना रही हैं, और हम गुजिया को भर रहे हैं। तो ये दोनों बहनें बेलेंगी और मैं बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं हम इसी तरह गुजिया को भर रहे हैं, और यहाँ मीठे के वजह से मक्खियां भी आ गईं, बहुत मैं दवा भी डाली थी लेकिन फिर आ गईं। तो इसी तरह मैं बना रही हूँ गुजिया को, आप देख सकते हैं। तो ये सांचे की सहायता से गुजिया बना रही हूँ। तो यहाँ सभी बेल रही हैं, थोड़ा बड़ा बेलो गुंजन, छोटा छोटा कर दे रही हैं, ये सब अंदाजा नहीं लगा पा रही हैं। और शीतल भी बेल रही हैं। तो हम गुंजन और शीतल गुजिया को भर ली हैं। तो हम ये सरसों का तेल लिए हैं और इसमें डाल दिए हैं कढ़ाई में। तो ये वीडियो हम होली के दिन बना रहे हैं दोस्तों। अभी चंदन के पापा को एक दीदी बगल की आई थी, वो लगा के चली गई ढेर सारा इनको, और हमको भी लगा के गई है। अब इनको एक काम और बढ़ गया, अभी नहलाएंगे शाम को। तो ये है, तेल गरम हो चुका है, अब गुजिया को हम तल लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं इतना सारा गुजिया हम बना के रखे हैं। इधर दिखा दो चंदन। तो यहाँ बना के रखे हैं, पॉलीथीन पे ही रखे हैं और इसी से। तो अब हम कढ़ाई में गुजिया को तलने के लिए डाल देते हैं। तो कढ़ाई में जितना आएगा गुजिया उतना डाल देंगे। तो अब इतना ही बनेगा। तो यहाँ गुजिया हम तल लिए हैं, बहुत अच्छा से आप देख सकते हैं इसमें कलर आया है। तो अब थाली में हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसी तरह सभी गुजिया को तल लेंगे। तो दोस्तों उतना सारा गुजिया बना लिए हैं और ये अब बनाने जा रहे हैं जो टिक्की हम बना के रखे थे वो वाला। तो इसे टिक्की के तरह ऐसे बना लेंगे, ऐसे इसी तरह। ये जो टिक्की हम बना के रखे हैं इसको भी तल लेंगे, जो दूध है और उसमें ये गूंथे थे। तो इसको भी फ्राई कर लेते हैं। गुजिया हमारा फ्राई हो चुका है, इसको तल लिए हैं। तो इसको धीमे आंच पे ही पकाना है ये टिक्की को। तो दोस्तों ये वाला रेसिपी आप एक बार जरूर बना के देखना, बहुत अच्छा बनता है ये। बिल्कुल खस्ता रहता है बालू शाही की तरह, लेकिन ये चिपचिपा नहीं होता, इसमें चाशनी तो नहीं डाला गया है और बिस्कुट के तरह ही लगता है ये। तो अब वीडियो को खत्म करते हैं, अभी तो बनाना बहुत बाकी है। तो आप देख सकते हैं गुजिया हमारा बन चुका है ये, और आप सब भी आकर खा लीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत खस्ता बनता है और खाने में भी अच्छा रहता है। ये गुजिया हमने बनाया है और गुजिया भी बहुत खस्ती बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये अभी तो जल रहा है तो थोड़ा नरम दिख रहा है, अभी ठंडा हो जाएगा तो एकदम खस्ता रहेगा। और हमारा गुजिया आप सबको कैसा लगा? तो यहाँ सभी बैठ गए हैं तो खाओ अंजलि। तो अभी इन सबको मैं प्लेट कटोरी में दे दूंगी, अभी खा लेंगे। जर गए। तो दोस्तों ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हम सब भी बहुत मतलब टाइम हो रहा है बनाते बनाते, शाम हो गया हमें भी, अभी बच्चों के नहलाना है और सब बहुत बाकी काम पड़ा हुआ है। तो ये रेसिपी बन के तो तैयार हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो में कोई गलती हो गया होगा तब भी माफ करना। तो नमस्ते दोस्तों। हाय टाटा।